हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग रिसर्च क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री टू 2021 बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो आज ही के दिन लगा है आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने ये पेपर दिया है, अगर आपके रिमांडेड एग्ज़ाम थी सप्लीमेंट्री, तो आपका पेपर कैसा हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग पार्ट फोर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना था और करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 5 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, ए है व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, और कम से कम यहाँ पर आपको 3 से 4 डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी साइंटिफिक मेथड क्या होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स की कितनी स्टेप्स होती है, और उन जितनी भी स्टेप्स होती है उनको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने में कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेपर है वो अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है राइट नीड ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर रिसर्च की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है नर्सिंग के अंदर रिसर्च, तो ये भी यहाँ पर आपको 6 मार्क्स के अंदर पूछा है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही ईजी क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसर्च क्राइटेरिया, रिसर्च क्राइटेरिया क्या होते हैं, 4 नंबर के अंदर यहाँ पर ये पूछा, तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं। राइट वेरियस क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और उनको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है 8 मार्क्स के अंदर, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम के 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने थे और उन्हें डिस्क्राइब करना है 4 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेरियस रिसर्च अप्रोचेज, रिसर्च अप्रोचेज पूछा है यहाँ पर 8 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हिस्टोरिकल एंड सर्वे रिसर्च अप्रोचेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल एंड सर्वे रिसर्च अप्रोच यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सैम्पलिंग पॉपुलेशन, सैम्पलिंग पॉपुलेशन क्या होते हैं, यहाँ पर 4 मार्क्स के अंदर ये पूछा है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के क्राइटेरिया पूछे यहाँ पर 4 मार्क्स में। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग या सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सैम्पलिंग और सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोक्रेन, तो ये शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा है, आई थिंक ये पहली बार ये ऐसा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के अंदर, कोक्रेन क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन रिसर्च, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिसर्च के अंदर वो बताने आपको। नेक्स्ट है टेबुलेशन, टेबुलेशन स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट इसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग की यूटिलाइजेशन कौन कौन सी है, तो ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आप इजीली यहाँ पर इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। डेटा दे रखा है हाइट ऑफ चिल्ड्रन का, और क्लास दे रखी है यहाँ पर, क्लास इंटरवेल है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दे रखी है। तो इसके अंदर मीन हाइट निकालनी है, मीडियन क्लास निकालना है, और उसका मोड यहाँ पर आपसे पूछा है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर में से यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर 7 क्वेश्चंस यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चंस वो छोड़ सकते हैं, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने थे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर 4 शॉर्ट नोट्स करने हैं यहाँ पर टोटल 5 में से, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं 4 मार्क्स के अंदर, ये भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इथिकल नर्सिंग, एथिक्स इन नर्सिंग, एथिक्स कौन कौन से होते हैं रिसर्च के अंदर वो यहाँ पर लिखना है। सैम्पलिंग एरर कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं उनके टाइप्स को लिख कर यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है 4 मार्क्स में। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल पैकेज क्या होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन पेपर है नर्सिंग रिसर्च का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड होइएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा और टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड नहीं है तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ऐड होइएगा। चैनल के लिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच।